म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके हम लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, पर हमारी एक गलती की वजह से हमारा प्रॉफिट लाखों रुपए कम हो सकता है। हम इस वीडियो में उसी गलती के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम इस गलती से बचकर अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रू इन्वेस्टिंग पर। अगर आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग और फाइनेंस बिल्कुल आसान भाषा में सीखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट trueinvesting.in जरूर विजिट करें। आइए जानते हैं कि हम कैसे म्यूचुअल फंड में अपने लाखों रुपए का प्रॉफिट बचा सकते हैं। दोस्तों, आज के टाइम पर हर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है डायरेक्ट प्लान और दूसरा होता है रेगुलर प्लान। चाहे हम दोनों में से कोई सा प्लान सिलेक्ट करें, हमारा इन्वेस्टमेंट उसी म्यूचुअल फंड में होता है। पर दोनों प्लान में एक फ़र्क होता है जिससे लॉन्ग टर्म में इनके रिटर्न्स में लाखों रुपए का डिफरेंस हो जाता है। दोस्तों, एक म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में डिफरेंस होता है एक्सपेंस रेशियो का। एक्सपेंस रेशियो ये बताता है कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट पर म्यूचुअल फंड को ईयरली कितना फीस देना है। रेगुलर प्लान्स के एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट प्लान से ज़्यादा होते हैं और इसी वजह से लॉन्ग टर्म में दोनों के रिटर्न्स में बहुत ज़्यादा फर्क हो जाता है। दोस्तों, एक म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट प्लान से इन्वेस्ट करने का मतलब है कि हम बिना किसी म्यूचुअल फंड एजेंट या एडवाइज़र के उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी हम सीधे म्यूचुअल फंड से ट्रांजेक्शन करके उसके यूनिट्स को बाई कर रहे हैं। वहीं जब हम किसी म्यूचुअल फंड में रेगुलर प्लान से इन्वेस्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि हम किसी म्यूचुअल फंड एजेंट, ब्रोकर या एडवाइज़र के थ्रू उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यानी रेगुलर प्लान्स में हमारे और म्यूचुअल फंड कंपनी के बीच में एक ब्रोकर या मिडलमैन आ जाता है, जो मेनली म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। म्यूचुअल फंड्स इन डिस्ट्रीब्यूटर्स को नए इन्वेस्टमेंट लाने पर ईयरली कमीशन देते हैं, जिस वजह से रेगुलर प्लान्स के एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स अपने डिस्ट्रीब्यूटर को जो कमीशन पे करती है उसे ट्रेलिंग कमीशन कहा जाता है और ये हमारे इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 1% तक हो सकता है। ये कमीशन म्यूचुअल फंड्स अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को तब तक ईयरली पे करती रहती है जब तक हम उस म्यूचुअल फंड के रेगुलर प्लान में इन्वेस्टेड रहते हैं। आइए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि AB ब्लू चिप फंड एक म्यूचुअल फंड है जिसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.5% है और रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 1.25%। साथ ही मान लेते हैं कि हमने इस म्यूचुअल फंड्स के दोनों प्लान्स में 20 साल के लिए 10,000 रुपये की मंथली SIP की है और इन 20 सालों में AB ब्लू चिप फंड ने 15% का कंपाउंडेड रिटर्न बनाया है। पहले बात करते हैं डायरेक्ट प्लान में मिलने वाले रिटर्न्स की। AB ब्लू चिप फंड ने भले 20 सालों में 15% का कंपाउंडेड रिटर्न बनाया हो, पर हमने इसकी एक्सपेंस फीस 0.5% भी ईयरली पे की है, जिसकी वजह से हमारा कंपाउंडेड रिटर्न हो जाएगा 15% माइनस 0.5% एक्सपेंस फीस, यानी कि 14.5%, और हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट इज इक्वल टू 24 लाख रुपये, टोटल रिटर्न इज इक्वल टू 1,17,22,533 रुपये, टोटल वैल्यू इज इक्वल टू 1,41,22,533 रुपये। यानी 20 साल में 24 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पर AB ब्लू चिप फंड के डायरेक्ट प्लान में हमें 1,17,22,533 रुपए का प्रॉफिट हुआ। वहीं अगर हम AB ब्लू चिप फंड के रेगुलर प्लान की बात करें तो इस प्लान का एक्सपेंस रेशियो था 1.25%, जिसे हमने ईयरली पे किया है और इस वजह से हमारा कंपाउंडेड रिटर्न 15% माइनस 1.25% एक्सपेंस फी, यानी कि 13.75% हो जाएगा और हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट इज इक्वल टू 24 लाख रुपए, टोटल रिटर्न्स 1,03,11,227 रुपए, टोटल वैल्यू इज इक्वल टू 1,27,11,227 रुपए। यानी 20 साल में 24 लाख की इन्वेस्टमेंट पर AB ब्लू चिप फंड के रेगुलर प्लान में हमें 1,03,11,227 रुपए का प्रॉफिट हुआ, जो AB ब्लू चिप फंड के डायरेक्ट प्लान से 14,11,306 रुपए कम है। दोस्तों, यहां पर AB ब्लू चिप फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो था 0.5% और उसके रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो था 1.25%, यानी कि रेगुलर फंड का एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट से सिर्फ 0.75% ज़्यादा था। पर दोस्तों, हमें सिर्फ इसी 0.75% ज़्यादा के एक्सपेंस रेशियो की वजह से 20 साल में 14,11,306 रुपये का लॉस हुआ। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में हमारे रिटर्न्स कंपाउंड होते हैं और इसी वजह से छोटे से छोटे रिटर्न भी लॉन्ग टर्म में बहुत बड़े हो जाते हैं, इसलिए हमें हमेशा सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर हम कहीं भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें यह पहले पता कर लेना चाहिए कि वो डायरेक्ट प्लान है या नहीं। आमतौर पर जब हम किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के प्लेटफॉर्म से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो रेगुलर प्लान्स होते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस म्यूचुअल फंड्स के कमीशन पर ही डिपेंड करता है, पर इसकी वजह से हमें लाखों का नुकसान होता है। इसलिए हमें एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनके म्यूचुअल फंड के सिर्फ डायरेक्ट प्लान में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।
तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो उस गलती के ऊपर जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड में हमारा प्रॉफिट लाखों रुपए कम हो सकता है, और वो गलती थी म्यूचुअल फंड में रेगुलर प्लान से इन्वेस्ट करने की। अब क्योंकि आप इस गलती को जानते और समझते हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि आप ये गलती कभी नहीं करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे आने वाले वीडियोज मिस न हो इसके लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।